हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज हम सभी लोग जानेंगे डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कैसे करें और कैसे लॉस हो सकता है, कैसे एक बेनिफिट हो सकती है। तो मैं भी तमाम तरह की वीडियो देखा था, तो जिसमें तमाम फायदे बेनिफिट, इतना बिजनेस करिए तो इतना आपका बेनिफिट होगा। मैंने भी तमाम तरह की वीडियो देख रखी थी और आप सभी को भी बताना चाहता हूँ कि जो इसमें YouTube पे, Facebook पे तमाम चीज़ें दिखाती है कि ऐसे बिजनेस कीजिए तो इतना बेनिफिट होगा, ये सब कहने की बात है। वह अपना गुड़ा गणित, एक लोनिंग होता है उसको पास करवाने के लिए एक गुड़ा गणित लगा के एक बना देते हैं लोग, लेकिन बेनिफिट तब मिलता है। आप सैंपल ही ले लीजिए कि घर से अगर कोई दूध ले जाता है तो 25 रुपये से 30 रुपये लीटर जाता है, इससे अधिक नहीं जाता है अगर गांव से देहात से कोई लेता है तो। और अगर इसी को शहर में आप ले जाके स्वयं बेचेंगे तो 40 से 50, 50 से 60 रुपये पर लीटर बिक जाता है। तो अगर बेनिफिट तभी मिल सकता है डेयरी खोलने पे जब अपना खुद का वह पैकेजिंग का व्यवस्था हो, कि हर दुकान पे आपका कांटेक्ट हो, सेलिंग करने की सुविधा हो, तो आपका ये बिजनेस चल सकता है। कैसे हम बताते हैं आप सभी को, क्योंकि अब मैं बिजनेस से रिलेटिव कुछ जानकारी आप सभी के बीच लाऊंगा। तो पूरी जानकारी सुनने से पहले मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तो बैलेंस नहीं मिलता है, लेकिन इससे मोटिवेट होता हूँ कि आगे और भी बेहतर वीडियो बना सकूँ। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि देसी गाय का घी 1,000 रुपया पर किलो बिकता है मार्केट में और शुद्ध नहीं मिल पाता। इसके वजह से अगर आप अपने नज़दीकी कहीं दूध पेराने वाली मशीन पे ले जाके अगर दूध पेरवाते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होगा, और उसका ले जाके बेचिए तब उसमें आपको बेनिफिट होगा। या अपने स्वयं मशीन खरीद के उसको, मतलब उसमें मक्खन निकलता है, तमाम चीजें होती है, तो उसको अगर पैकेजिंग करके बेचेंगे तो आपका 40 रुपया पर लीटर भी जाएगा, 40 से 50 रुपया, तब भी आपको लगभग 100 से 150 रुपया का बेनिफिट लीटर के पीछे हुआ, क्योंकि लीटर के साथ मक्खन भी निकलता है, मक्खन के साथ मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं जो निकलता है, और फिर गौमूत्र से जैविक खाद की उपजाऊ होती है। तो अगर इस सब की सुविधा है तो डेयरी फार्मिंग बेहतर बिजनेस है। अगर इन सब की व्यवस्था नहीं है तो लॉस होने के 100% चांसेस हैं। तो अगर कोई भी डेयरी फार्मिंग खोलना चाहता है तो पहले पूरी जानकारी ले और उसके बाद ही डेयरी खोले, या जो पहले से डेयरी किए हुए हैं उनसे पूरा नॉलेज ले उसके बाद ही डेयरी पर हाथ डाले, नहीं तो वह अपना किसी और काम में मन लगाए, नहीं तो बहुत ज्यादा लॉस होने का डर रहता है। मुझे आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद। जय गौ माता।